हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जुताई करने वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम एक रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियजनों, ऐसा जीवन जो दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं, चार दिन का नहीं, पाँच दिन का नहीं, छः दिन का नहीं है, हजार साल का भी नहीं है, हजार मिराज का, जो कभी नाश नहीं होता है, अनंत काल का है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है, प्रेम करने वालों को दिया। मेरे प्रियजनों, मेरा परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, गरीबी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। जब आप यीशु मसीह के पास आए हो, मेरा परमेश्वर आपको आजाद करेगा, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा परमेश्वर है, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, एक अनंत काल का जीवन देगा, अजर निराश कर देगा। अरे परमेश्वर से प्यार करते हो है ना? यीशु मसीह हम सभी के लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, उसके हाथों पर में कीले ठोक गए हैं, 39 कोड़े लगवाए गए हैं हम सभी के खाते। जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, हमारा परमेश्वर अपने ऊपर लिया। उसने देह पर उठा लिया, जो हमारा बोझ था, जो बीमारियों का बोझ था, पाप का कफारा था, यीशु नासरी ने अपनी देह पर लिया। वो आपसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों परेशान हो, हमारी चिंता करना बैठा है ना? मेरे प्रियजन, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, परिवार वालों ने आपको धोखा दे दिया हो, यदि आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, आपका पैसा फूट चुका हो, आपको आशीष नहीं मिल रही है, 10 साल से 20 साल से प्रार्थना कर रहे हो परंतु प्रार्थना का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप यीशु मसीह के पास आए हो, उस परमेश्वर के पास आए हो, उस जिंदा परमेश्वर के पास आए, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको फलवंत करेगा। आप चिंता मत करो, आप चिंता करके यहाँ ना कहना कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। आपकी चिंता करने वाला, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर बैठा है जो स्वर्ग में है। आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों चिंता करते हो? प्रभु ने कहा है, उन पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, तो भी तुम्हारा पिता उनको खिलाता है, तुम तो उनसे अधिक बहुमूल्य, तुम्हारे तो हाथ है, तुम्हारे तो पार है, तुम तो कमा सकते हो, क्या प्रभु आपको नहीं खिलाएगा? आप क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना है, हमें हटक नहीं लेना है, हमारी चिंता करने वाला हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, वो आपसे प्यार करता है, जीसस गॉड आपसे लव करता है। मेरे प्रियजनों, यदि आपसे कोई गुनाह, कोई अपराध, कोई पाप हुआ है, तो आज यीशु नासरी से बोल दो, परमेश्वर से बोल दो, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, आप चंगे हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, हीलिंग देगा, मिराकल करेगा, मिराकल मेरा परमेश्वर, और स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आ जाएगा। यदि आप दिल से पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारे हो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो तू क्या मुझसे करता है? मेरे परिजनों, यदि आपको खेती में आशीष नहीं मिल रही, जॉब में नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, पैसों की आशीष नहीं मिल रही, यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तंगी है, परेशानी है, टूट चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तो मैं आज आपसे बता रहा हूँ, आप यीशु मसीह के पास आए हो। मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करता है, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करेगा, मिराकल मेरा परमेश्वर। आप क्यों परेशान हो, क्यों टूट चुके हो, क्यों उदास हो चुके हो, क्यों निराश हो चुके हो? अरे मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो इंसान से नहीं हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करता है मेरा परमेश्वर, असंभव को संभव करना परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है।
आपसे प्यार करता है। आप क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान हो? प्रभु ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जानता है। आपको प्रभु से बोलना है, आप उसके धर्म राज की खोज करो, उसको जानो, उसको पहचानो कि परमेश्वर क्या है, प्रभु ने क्या किया है, वो यीशु मसीह कौन है। आपके अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, बचा के रखा है मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जो आपने बचा के रखा, संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे परमेश्वर जो आपको नहीं जानते होंगे यीशु पापा, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। मेरे पिता, जो आपने हम सभी का नाम लेके बुलाया, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, आपने कहा मेरे प्रभु मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, आए मेरे पुत्र, आए मेरी पुत्रियों, तू क्यों परेशान है, तू क्यों चिंता करता है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप, गलती, गुना, व्यभिचार हुए हैं, मेरे परमेश्वर हम सभी को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे परमेश्वर, हम सभी मानव जाते हैं, हम सभी से पाप, गुना, व्यभिचार हो सकता है, हम सबसे गुना हो सकता है। मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, हे दाऊद के संतान, मुर्दों को जलाने वाले, अंधों को आग देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता परमेश्वर। हम सभी के अपराधों को माफ कीजिए हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कीजिए, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को माफ कीजिए परमेश्वर पिता, ये सुरजा, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है कि आप ही हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए। आप क्षमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप जय जयकार के योग्य हैं, आप ही के पास ये अधिकार है कि आप हम सभी के अपराधों को हिम की नहीं साफ कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पिलक रहे हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सच में मेरे परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु, सच में पवित्र आत्मा जी, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ ये चंगे हो जाए। जिन्हें गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, पथरिया है, कैंसर है, ट्यूमर है, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये रिहा हो जाए, ये हील हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस नेम, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां जा रही हैं, देखो चेक करो, आपकी पथरियां जा चुकी हैं, गलतियां जा चुकी हैं। मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको आजादी देगा। मेरा परमेश्वर आपसे लव करता है, आपसे लव करता है। आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी गलतियां, आपकी रसोलियां, गरीबियां, परेशानियां, तंगियां, यीशु के नाम में चली गई है। मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में रिहाई दीजिए, रिहा हो जाए, ये हील हो जाए, रिहा हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह भाई बहनों के लिए। मेरे परमेश्वर, जो पति पत्नी के बीच में लड़ा झगड़ा होता है, लड़ा झगड़े की गंदी स्पिरिट है, यीशु के नाम में वो लड़ा झगड़े की गंदी आत्मा छोड़े और जाए। मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनकी लड़ा झगड़े की गंदी आत्मा निकल के भाग, दूर स्थान में जा, अधोलोक में जाए, पाताल में जाए। मेरे परमेश्वर, जो पति पत्नी के बीच में नफरत है, जो नफरत को पैदा करती है, यीशु के नाम में नफरत की आत्मा जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, में प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने वाले नहीं है, जो 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर यह निजातों से उधार ले रहे, सहायता ले रहे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु के नाम में चली जाए। मेरे परमेश्वर,
ये बहुत रिजातों को धार देने बन जाए, ये मांगने नहीं मेरे परमेश्वर, ये देने बन जाए, ये देने हो जाए, देने हो जाए ये सुराजा मेरे परमेश्वर। अब महान है पिता, आपकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है, हे राजाओं के राजा, हे रब्बी, हे पिता, हे राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, इनकी समस्याओं को दूर कर दे, इनको तंगी परेशानी दूर हो जाए मेरे पिता। ने प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो मसीह बहन रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है मेरे परमेश्वर, गंदे सपने आते हैं, दुष्ट आत्मा डराते हैं, गंदे सपनों को लेकर आते हैं प्रभु, जैसा कि अपने वचन में कहा, नित्य वचन है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता। मुझे आशा है, विश्वास है, आपने इस प्रार्थना को सुना है। ये छोटी स्मृति उद्धार करता है, इस मसीह के मीठे और पवन नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।